हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह इंग्लिश वर्कबुक क्लास 6 और 7 के अंतर्गत OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1, आपको यहाँ अपना अपना नाम लिखना है। इसमें क्वेश्चंस हैं, हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस मीनिंगफुली। माय ब्रदर एंड आई मैंगोज वेरी मच, तो यहाँ क्या आएगा? लाइक्स इज लाइकिंग आर लाइकिंग, यहाँ आएगा लाइक। सही आंसर होगा लाइक। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। राधा एंड हर सिस्टर गोइंग टू द जू, तो इसमें क्या आएगा? लविंग, लव, लव्स आर लविंग, तो इसमें आएगा लव, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस सुकन्या इज ए गर्ल इन माय फैमिली। आई एम हर ब्रदर, शी इज माय ग्रैंडमदर, मदर, फ्रेंड या सिस्टर। सही आंसर होगा इसमें सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्शन। इसमें हमें करेक्ट पंक्शंस चूज करना है। व्हाई आर यू गोइंग होम, 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 इसमें करेक्ट वाला कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर, Why are you going home? क्वेश्चन मार्क है, ये वाला इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द वर्ड पेयर विथ करेक्ट ऑपोजिट जेंडर्स। हैन हेयर, नाइस नेफ्यू, टाइगर लाइनेस, अंकल ग्रैंड मदर, तो इसमें सही कौन सा है? नाइस नेफ्यू। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ ऑपोजिट जेंडर। बॉय क्वीन, कॉक फिश, फॉक्स टाइगर, मैन वुमेन, तो इसमें सही वाला कौन सा है? मैन वुमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस बिलो इज एन एडजेक्टिव। द मैंगो ट्री इन आवर गार्डन गिव्स प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, इसमें सही कौन सा होगा? प्लेंटी गिव फ्रूट्स गार्डन, तो इसमें सही होगा प्लेंटी। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द वर्ड दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस। द कैट इज सिटिंग द बास्केट, कैट सिटिंग यहाँ आएगा इन, ऑन, नियर या अंकल, तो इसमें आएगा ऑन। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ब। मुकेश टू बीकानेर यस्टरडे, गॉन, वेंट, विल गो, इज गोइंग, तो इसमें क्या आएगा? वेंट। क्वेश्चन नंबर 10, सुरेश कंप्लेंट टू द टीचर दैट
bicycle has been stolen. He, it, his, her. तो यहाँ क्या आएगा? इसमें आएगा his. क्वेश्चन नंबर 11. चूज द करेक्टली पंक्चुअल सेंटेंस. आई वेंट टू बाय पेंसिल, नोटबुक्स आर इरेजर्स फ्रॉम द मार्केट. आई विल टू बाय पेंसिल्स फ्रॉम द मार्केट. आई वेंट टू बाय पेंसिल्स, नोटबुक एंड इरेजर्स फ्रॉम द मार्केट. आई वेंट टू बाय पेंसिल्स, नोटबुक एंड इरेजर्स फ्रॉम द मार्केट. तो इसमें सही वाला होगा फर्स्ट ये. आई वेंट टू बाय पेंसिल्स, नोटबुक्स एंड इरेजर्स फ्रॉम द मार्केट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नियर द पॉन्ड द रेड्स सा द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स. द रेड्स क्विकली स्टार्टेड बीटिंग द रॉप्स व्हेन देयर शार्प टीथ. सन The elephants were set free. They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size. अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 12. Where did the rats see the elephants? In the forest. Near the pond, near the lake, in the house. यहाँ आएगा near the pond. क्वेश्चन नंबर 13. How did the rats set the elephants free? By beating the ropes, by hitting the ropes, by hitting the hunters. They did not set the elephants free. तो इसमें सही आंसर होगा फर्स्ट, बाय बीटिंग द रॉप्स. क्वेश्चन नंबर 14. विच वर्ड डिस्क्राइब्स द रेड्स द बेस्ट? एंग्री, सैड, सेल्फिश, हेल्पफुल. तो इसमें सही कौन सा होगा? ये वाला, हेल्पफुल. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेड्स टीथ? डर्टी, शार्प, वाइट, ब्लंट. तो इसमें से आंसर होगा शार्प. तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में OCR बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 1 समझा. आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए. मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में. तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. आपका दिन शुभ रहे. थैंक यू.